उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की पुलिस ने दो दिन पहले दंपति पर हुए एसिड अटैक कांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। अवैध संबंध का राज फांस होने के बाद पत्नी ने ही अपने प्रेमी संग मिलकर पति पर एसिड से हमला कराया था। पुलिस ने इस मामले का 48 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मंझनपुर जिला मुख्यालय के डाइट मैदान में 8 दिसंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपति पर बाइक सवार बदमाशों ने एसिड अटैक किया था। इस हमले में पति बुरी तरह से झुलस गया था और पत्नी बाल बाल बच गई थी। पीड़ित की पत्नी ने जमीनी विवाद के चलते प्रवीण आदि के खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में एसिड अटैक का मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जांच पड़ताल शुरू किया तो पीड़ित हनुमान कुशवाहा की पत्नी पर ही उसे शक हुआ, जिसके बाद पुलिस आरोपी प्रेमी उमा शंकर दुबे को हिरासत में लेते हुए कड़ाई से पूछताछ किया गया तो सच सामने आया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी प्रेमी उमा शंकर ने अपने इकबालिया जुर्म की कबूलदारी करते हुए पुलिस को बताया कि अवैध संबंध का राज फांस होने के बाद से महिला का पति अक्सर उससे विवाद किया करता था। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर शातिर महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए साजिश रची और मॉर्निंग वॉक पर निकलते समय एसिड से हमला करवाया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती पति की हालत नाजुक है। इतना ही नहीं, एसिड अटैक की वजह से उसकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बना हुआ है। पुलिस ने मामला का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। एक फॉलोअर जो अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उन पे एसिड फेंका गया था। पत्नी की तरफ से कुछ लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दिखाया गया था भूम विवाद में। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इस महिला के किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध है और प्रेम संबंध में इस महिला ने ही प्रेरित किया और अपने पति पे एसिड फेंकवाया है। इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है, महिला ने भी अपना जुर्म स्वीकार किया है। एक जनमेजय नाम का व्यक्ति जिसने एसिड फेंका है, उसके चेहरे पे काफ़ी एसिड पड़ा हुआ है, फेंकते समय लग गया है। तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इनको सभी को गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है।